नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार दौरे पर रहे। सबसे पहले मुख्यमंत्री मेला नियंत्रण भवन पहुंचे, जहां पर मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। यहां पर मुख्यमंत्री ने मेला पुलिस के आधुनिक सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मेले में लगी फोर्स के अधिकारियों से भी मुलाकात की। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि मेला पुलिस द्वारा सर्विलांस सिस्टम को लगाया गया है, जिसकी मेले के सकुशल सम्पन्न कराने में सहयोग मिलेगा। तो अपील यही है कि हर किसी का महाकुंभ 2021 हरिद्वार में स्वागत है। आए, जरूर आए, सिर्फ कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें। और हम जो है, एक तो मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग महाकुंभ नहीं आ रहे वो लोग इन 9 तारीख से 15 तारीख तक हरिद्वार शहर को बचा के चलें, यानी वो साइड के रूट से जाएं। जिनको महाकुंभ आना है उसकी कार्य योजना हम उत्तराखंड पुलिस के पेज पर डाल रहे हैं, मीडिया में दे रहे हैं, और एक कुंभ पुलिस 2021 का अलग से पेज बना, उसमें भी डाल रहे हैं। सरकार ने जब से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत की है, तब से लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही ऋषिकेश में हुआ है। लोगों ने बीडीसी मेंबर को बोलकर कैंप लगवाया है और क्षेत्र में के लोग बड़ी तादाद में आ गए हैं। ये देखकर वैक्सीन पर लोगों का भरोसा देखने को मिल रहा है। लक्ष्मण झूला के तपोवन में पहले भी ऐसे कैंप लगे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में दूर तक लोग रहते हैं, सब एक साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ पर बीडीसी सुलोचना कपूरवान के सरकारी चिकित्सालय के डॉक्टरों से बात कर ये कैंप लगवाया गया है। हाँ जी, लगा ली। मेरे को कई दिन से लगवाने की सोच रही थी, लगा ली मैंने आज। कैसा लगा? अच्छा लगा मेरे को लगा के। अब दोबारा कब आएंगे आप? ये 20 मई को। अच्छा फील महसूस हो रहा है। अब क्या चाह रहे थे? हाँ सर, क्या चाह रहे थे? वैक्सीन, वैक्सीन लगाना चाह रहे थे। हाँ जी, क्या कहा आपको लगाने के बाद? लगाने के बाद ये कहा सर कि फिर दूसरी डोज जो है आपकी, दूसरी वैक्सीन आफ्टर 42 डेज के बाद लगेगी। ये इसके लिए लगवाया कि यहाँ पर काफ़ी लोग वैक्सीन से छूटे हुए थे और कोरोना की जैसे महामारी हो रही है, तो मुझे, मैंने इन लोगों से पूछा, बोला तो उन्होंने कहा कि हाँ लगवा लो। लोग बहुत पीछे पड़े हुए थे कि हमें लगवाना है। एक्चुअली लोग जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ से फिर दूर जाना पड़ रहा है, तो उसमें और खतरा है। तो मुझे लगा कि मेरे ही क्षेत्र में अगर कैंप लग जाए तो अच्छा है। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 के पास तिराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज के जंगल में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने से के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आनन-फानन में दर्जनों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने वन कर्मियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन कर्मी आग बुझाने में जुट गए। बताया जा रहा है कि काफी तादाद में नए प्लांटेशन के हरे पेड़ जलकर बर्बाद हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो तेज हवा के चलते आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि धीरे धीरे पूरे जंगल में आग फैल गई। गनीमत रही कि आग की चिंगारी शहर की तरफ नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इधर आग की घटना की खबर के बाद मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी रिचा सिंह ने तुरंत ही सेंचुरी पेपर मिल को फोन कर फायर ब्रिगेड मंगवाई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और नगर पंचायत के पहुंचे पानी के टैंक ने आग पर काबू पा लिया। देखिए, यहाँ से सूचना मिल रही थी कि टांडा रेंज में हमारे यहाँ जो ये वन क्षेत्र में आग लगी हुई है, और इधर हमारी ये लालकुआ की भी बस्ती से सटी हुई है, तो यहाँ पर अभी जो नगर पंचायत की ओर से टैंकर लगाया गया है, आग बुझाने का कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अभी मैंने सेंचुरी से भी फायर ब्रिगेड की बात की है, वो बस मौके पर पहुँच रही है और शीघ्र ही इसको आग को बुझा लिया जाएगा। फ्लाईओवर से कनेक्टिविटी और अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर हरिपुर कला के ग्रामीण 8वें दिन भी धरने पर बैठे रहे, जिसके बाद उन्होंने धरना स्थल से रेलवे फाटक तक रेलवे और NHAI दोनों विभागों के पुतले बनाकर शव यात्रा निकाली, जिसके बाद रेलवे फाटक पर दोनों विभागों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके पुतले को भी आग के हवाले कर दिया। हरिपुर कला में धरने पर बैठे ग्रामीणों का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन और NHAI के अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्रीय नेताओं के खिलाफ भी आक्रोश दिखाई देने लगा है। यहां धरने पर बैठे ग्रामीणों ने आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में एकत्रित ग्रामीणों ने धरना स्थल से मोतीचूर रेलवे फाटक तक रेलवे और NHAI विभाग का पुतला बनाकर शव यात्रा निकाली।
कुंभ मेले के दौरान पड़ने वाले 12 तारीख से 14 तारीख तक स्नान के लिए पुलिस ने रूट प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए ऑटो विक्रम और टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें रूट के बारे में पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए उनसे सहमति ली गई। इसके साथ ही लोकल श्रद्धालुओं को अतिक्रमण की समस्या से निजात मिले, इसके लिए भी व्यापारियों से अतिक्रमण खुद ही हटाने के लिए कहा गया। यही नहीं, पार्किंग के लिए भी लोकल वाहन खड़े करने के लिए निर्धारित स्थान चिन्हित किया गया। पुलिस ने सभी जनप्रतिनिधियों से स्नान के दौरान सहयोग करने की अपील की है। मसूरी होमस्टे एसोसिएशन में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस के बाद पर्यटन सीजन प्रभावित होने पर भी चिंता व्यक्त की गई है। बैठक में मसूरी में होमस्टे संचालकों द्वारा पर्यटन विभाग के अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा गया कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार द्वारा होमस्टे के लिए जारी शासन आदेश में कई खामियां पर की गई, जिसको लेकर जल्द मसूरी होमस्टे एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और पर्यटन सचिव से मुलाकात कर समस्याओं को उनके सामने रखेगा। तो सरकार से ये कहना है कि होमस्टे योजना एक बेरोजगारों के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई थी और उसमें सरकार के इन 4-5 सालों में कोई इस तरह का रुख नहीं रहा कि दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना जो सरकार ने चलाई उससे लाभान्वित होने वाले लोगों को कुछ सुविधाएं दी जाएं। तत्पश्चात कोरोना के काल में भी होमस्टे वालों ने अपना किसी तरह से होमस्टे योजना को चलाने का प्रयास किया लोगों ने सरकार के माध्यम से, परंतु सरकार ने कोरोना काल का भी कोई ऐसा लाभ नहीं दे पाई। और अब जबकि थोड़ा सा पर्यटन मसूरी आने शुरू हो गया था तो थोड़ा सा उम्मीद जग रही थी कि होमस्टे जो छोटा व्यापारी है वो कर सके, लाभ ले सके, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि कोरोना के नाम पर जो सेवा शर्तें जो रखी गई हैं उससे जो छोटा टूरिस्ट जो होमस्टे योजना के माध्यम से या छोटे दर पे आने को तैयार था उस पर ऐसी शर्तें लगा दी गई कि वो बॉर्डर क्रॉस करने में दिक्कत उसको हो रही है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी नई गाइडलाइंस के बाद मसूरी और आसपास के पर्यटक स्थलों में पुरानी बुकिंग लगातार कैंसिल होने लगी हैं, जिससे एक बार फिर होटल कारोबारियों के साथ स्थानीय लोगों में चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जाने लगी हैं। अप्रैल महीने में मसूरी में 40-50% बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। मसूरी में होटल व्यापारियों के साथ टैक्सी संचालकों और आम दुकानदारों का काफी को परेशानी हो रही है। वहीं रोजमर्रा की रोजी रोटी कमाने वाले रिक्शा चालक मजदूर का भी हाल बेहाल है। लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई, शहर में ऐसा हो रखा है जैसे मानो कर्फ्यू लग गया है। हमारी चिंता ये है कि पिछले साल का लॉकडाउन तो हम जैसे जैसे झेल गए थे, इस साल में अगर कोई दिक्कत हुई गर्मियों के सीजन में तो हमारा पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा। व्यवसाय पूरा खत्म हो चुका है। आज मैंने काफ़ी लोगों से अपनी बात की, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, नैनीताल में, अपना जोशीमठ में, मैंने लोगों को जो मैंने आज क्वेरी की है उसमें 85-90% हमारी जो बुकिंग थी चार धाम की वो सारी ख़त्म हो चुकी है। वो सारी बुकिंग आज कैंसिल हो चुकी है 2-3 दिनों से, जो कोरोना की जो ये रिपोर्ट जा रही है कि बहुत फैल गया, RT-PCR रिपोर्ट उत्तराखंड में कंपलसरी है, तो इससे सब लोग थोड़ा भयभीत हैं। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए SSP पौड़ी रेणुका देवी द्वारा लगातार जनपद के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत थाना सतपुले द्वारा भी लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तेज गति से वाहन चलाना, शराब पीकर और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर नजर रखने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी अवसर पर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल द्वारा बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगे इसी के लिए थाना पुलिस सब स्पीडोमीटर से चेकिंग अभियान चला रही है, जिससे तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों को पकड़ा जा सके और इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। पहाड़ों में सड़क दुर्घटना का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है तेज गति से वाहन चलाना, और इसके लिए अभी हम लोग स्पीडोमीटर से वाहन की चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऐसे वाहन चालकों को डिटेक्ट कर रहे हैं जो लोग तेज गति से वाहन चलाते हैं, यानी जो लोग रैश ड्राइविंग करके वाहन चलाते हैं, और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग MB Act में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं।
देश समेत उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं हरिद्वार महाकुंभ चल रहा है, जिसमें देश विदेश और अलग अलग राज्यों से भारी संख्या में यात्री और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की वजह से कोविड 19 संक्रमण के फैलने का खतरा है, जिसके चलते जिले के सभी स्कूल 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया गया है। साथ ही हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर स्कूल बंद करने का यह आदेश जारी किया है। फिलहाल 12 तारीख और 14 तारीख को जो है शाही स्नान प्रस्तावित है, तो लगातार 12, 13, 14 में जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है श्रद्धालु यहाँ पे आने का संभावना है, तो इस दृष्टिगत जो है लोगों का असुविधा ना हो इसको देखते हुए 9 से 15 तारीख तक समस्त शिक्षण संस्थानों को जो है बंद करने का निर्देश दिया है, ताकि जो है बच्चों का कोई असुविधा ना हो। दूसरी बात, जो बच्चों को अन्य जो जनपदों में जो परीक्षा वगैरह हो रहा है या इवन विद इन हरिद्वार भी जो है परीक्षा के लिए जो जाएंगे, उनके लिए जो है वो हॉल टिकट दिखाने पर ही जो है बॉर्डर पर उनको जो है अलाउ कर लेंगे, उनके लिए जो है कोई असुविधा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने जो है बॉर्डर्स में भी इन्फॉर्म कर दिया है, ताकि जो है कोई भी हॉल टिकट दिखा दें उनके लिए जो है वो अलाउ हो जाएगा, मगर विद इन हरिद्वार सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के लिए निर्देश दिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान जारी करते ही परिवहन व्यवसायियों ने भी सरकार के सामने अपनी मांग रख दी है। परिवहन व्यवसायियों का साफ कहना है कि यदि कुंभ की जारी की गई एसओपी के आधार पर ही सरकार चार धाम यात्रों को संचालित करना चाहती है तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। परिवहन व्यवसायियों ने साफ कहा है कि लॉकडाउन के बाद से परिवहन व्यवसायियों के कमर टूट चुकी है, ऐसे में सरकार से कठिन नियम चार धाम यात्रा को चलाने नहीं दिया जाएगा। परिवहन व्यवसायियों ने सरकार से चार धाम यात्रा के लिए नई एसओपी जारी करने की मांग की है। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।